बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें। एंटीलिया के पास विस्फोटक मिलने के मामले में गिरफ्तार बर्खास्त पुलिसकर्मी रियाजुद्दीन काजी को मुंबई में एनआईए की विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि आईपीएस रश्मि शुक्ला ने शिवसेना सांसद संजय राउत और एनसीपी नेता एकनाथ खड़से के फोन अवैध रूप से टैप कराए थे। तो दिशा सालियान मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे को अदालत ने गिरफ्तारी से 10 मार्च तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। उधर पुणे मनपा की अवधि 14 मार्च को खत्म हो रही है। इस पृष्ठभूमि पर 15 मार्च की आधी रात से पुणे मनपा को प्रशासक के हाथों में देने का आदेश राज्य सरकार ने दिया है। इसी बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक गिरीश महाजन और एक अन्य याचिकाकर्ता से ये समझाने के लिए कहा कि यदि राज्य के नियमों में मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के संबंध में राज्यपाल को सलाह देने का प्रावधान है, तो इसमें संवैधानिक रूप से गलत क्या है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। एंटीलिया के पास विस्फोटक मिलने के मामले में गिरफ्तार बर्खास्त पुलिसकर्मी रियाजुद्दीन काजी को मुंबई में एनआईए की विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि उसे अंबानी के घर के पास विस्फोटक रखने की साजिश की जानकारी थी। काजी ने सह आरोपी सचिन वाझे के कहने पर सबूत मिटाए और इस तरह उनसे गैर कानून रोकथाम गतिविधि अधिनियम के तहत किए गए जुर्म में मदद की। विशेष न्यायाधीश एटी वानखेड़े ने 1 मार्च को काजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और विस्तृत आदेश अब उपलब्ध हुआ है। मामले में एक अन्य आरोपी बर्खास्त पुलिसकर्मी वाझे के साथ काम कर चुका काजी उस वक्त मुंबई में अपराध खुफिया इकाई में तैनात था, जब अंबानी के घर एंटीलिया के पास कार से विस्फोटक बरामद हुए थे। हालांकि काजी के वकील ने दलील दी थी कि इस तरह के कोई सबूत नहीं है जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि आवेदक ने वाझे के साथ मिलकर साजिश रची थी। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री से पहली नजर में लगता है कि आरोपी ने सह आरोपी वाझे के साथ मिलकर साजिश रची थी। काजी की भूमिका पिछले साल 13 मार्च को वाझे की गिरफ्तारी के बाद पता चली। मामले में अन्य आरोपी पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा और पूर्व पुलिसकर्मी विनायक शिंदे और सुनील माने हैं। फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि आईपीएस रश्मि शुक्ला ने शिवसेना सांसद संजय राउत और एनसीपी नेता एकनाथ खड़से के फोन अवैध रूप से टैप कराए थे। दक्षिण मुंबई के कोलाबा पुलिस थाने में बुधवार को दर्ज एफआईआर में कहा गया कि आरोपी अधिकारियों ने निहित राजनीतिक स्वार्थ के चलते 2019 में इन दोनों नेताओं के फोन टैप किए थे। उस समय खड़से बीजेपी के सदस्य थे। रश्मि शुक्ला वर्तमान में हैदराबाद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के एक अधिकारी की शिकायत के आधार पर शुक्ला के विरुद्ध कोलाबा पुलिस थाने में ताजा प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार शुक्ला के पास टेलीग्राफ कानून के तहत राउत और खड़से का फोन टैप करने का कोई वैध कारण नहीं था। अधिकारी ने कहा कि शुक्ला जब महाराष्ट्र के राज्य खुफिया विभाग की प्रमुख थी, तब कथित रूप से फोन टैपिंग कराई गई थी। याद रहे कि राज्य में जब बीजेपी की सरकार थी, तब कांग्रेस नेता नाना पटोले के फोन कथित रूप से टैप करने के संबंध में पुणे पुलिस ने शुक्ला के विरुद्ध बूंद गार्डन पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस की ओर से 25 मार्च तक शुक्ला के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। दिशा सलियान मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे को अदालत ने गिरफ्तारी से 10 मार्च तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे पर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सलियान के बारे में मानहानिकारक और भ्रामक बयान देने का आरोप है। मामले में गिरफ्तारी की आशंका से पिता पुत्र ने अपने वकील सतीश माने शिंदे के माध्यम से उपनगरीय मलाड़ में डिंडोशी सत्र अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। मुंबई के डिंडोशी कोर्ट में पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा उनके बेटे के खिलाफ नोटिस जारी किया है। दिशा की मां वसंती सलियान की शिकायत पर पिता पुत्र के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इससे पहले वसंती सलियान ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग से संपर्क किया था और सलियान परिवार को विभिन्न सोशल मीडिया मंच पर बदनाम करने के लिए नारायण राणे, नितेश राणे और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। प्राथमिकी के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने 19 फरवरी को एक संवाददाता सम्मेलन में सलियान की मौत के सिलसिले में कुछ दावे किए थे। इस दौरान उनके बेटे नितेश राणे भी वहां मौजूद थे। पुणे मनपा की अवधि 14 मार्च को खत्म हो रही है। इस पृष्ठभूमि पर 15 मार्च की आधी रात से पुणे मनपा को प्रशासक के हाथों में देने का आदेश राज्य सरकार ने दिया है। मुंबई सहित राज्य की अन्य 10 मनपा की अवधि भी खत्म हो गई है। हर जगह का चुनाव लंबित है।
इसलिए इन सब मनपा की अवधि खत्म होने के बाद प्रशासक की नियुक्ति करने का आदेश राज्य सरकार ने दिया है। ऐसी जानकारी राज्य के सचिव दर्जे के अधिकारी ने दी है। पुणे मनपा की अवधि 14 मार्च को खत्म हो रही है, इसलिए विद्यमान सदस्यों का ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों तक रहेगा। मनपा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फिर भी अभी तक अंतिम प्रभाग रचना, आरक्षण व प्रत्यक्ष चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है। अगले 2 महीने में ही चुनाव प्रक्रिया होगी और नया सभागृह अस्तित्व में आएगा। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक सारी जिम्मेदारी प्रशासक के माध्यम से ही होगी, ऐसी संभावना शुरू से जताई जा रही है। मनपा प्रशासक बैठने के बाद पार्षदों में भारी बेचैनी है, क्योंकि अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हो पाई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला और गर्म है। प्रभाग रचना में अभी दिक्कतें बनी हुई हैं। आपत्तियां दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन उससे कोई बड़ा हेरफेर होने की संभावना नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक गिरीश महाजन और एक अन्य याचिकाकर्ता से ये समझाने के लिए कहा कि यदि राज्य के नियमों में मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के संबंध में राज्यपाल को सलाह देने का प्रावधान है, तो इसमें संवैधानिक रूप से गलत क्या है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति MS कारणी की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं महाजन और जनक व्यास, जिन्होंने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की है, उन्हें ये बताना चाहिए कि इस तरह की प्रक्रिया से संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन कैसे हुआ। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से ये भी पूछा कि अदालत को विधायी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए। अदालत ने पूछा कि क्या संविधान मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद की सहायता के बिना राज्यपाल को सलाह देने से रोकता है। मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी सलाह देने में क्या गलत है। आखिरकार मुख्यमंत्री की सिफारिशों पर ही मंत्रिपरिषद भी गठित की जाती है। अदालत ने कहा कि जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात आती है तो हम निश्चित रूप से नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक होंगे, लेकिन हमें विधायी मामलों में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए जब तक कि कोई गंभीर उल्लंघन न हो। इससे ये एक अच्छा संदेश नहीं जाता। क्या अध्यक्ष के चयन के तरीके का फैसला करना अदालत का काम है। यूपी के सरहानपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में शनिवार की सुबह 7:10 पर मेरठ के दौराला स्टेशन पर अचानक आग लग गई। वहीं नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि यूक्रेन से वापस आने वाले छात्र अब भारत में ही अपनी 1 साल की इंटर्नशिप को पूरा कर सकते हैं। तो कोरोना महामारी में अभिभावकों को खो चुके बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में पीएम केयर स्कीम के तहत दाखिला दिया जाएगा। इसी बीच बाजार में गिरावट के 3 दिनों में निवेशकों की संपत्ति 5,59,00,000 रुपए से अधिक घट गई है। उधर श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट ने सावधान किया है कि कुछ अनाधिकृत वेबसाइट पर जारी होने वाले विज्ञापनों पर हेलीकॉप्टर की टिकट या प्रसाद की बिक्री को लेकर आप धोखाधड़ी के शिकार भी हो सकते हैं। देश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। यूपी के सरहानपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में शनिवार की सुबह 7:10 पर मेरठ के दौराला स्टेशन पर अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन के ब्रेक जाम होने के चलते ये हादसा हुआ। आग की तेज लपटों से ट्रेन के इंजन सहित 2 डिब्बे जलकर राख हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन जैसे ही दौराला स्टेशन पर पहुंची वैसे ही इंजन में नीचे से तेज आग लग गई। इंजन के पास के डिब्बों में सवार यात्री धुआं और चिंगारी निकलते देख शोर मचाते हुए नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म पर दौड़ पड़े। उन्होंने अन्य यात्रियों और ड्राइवर को आगाह किया। ट्रेन में आग की सूचना मिलते ही पीछे के डब्बों में सवार यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। वे आनन फानन में ट्रेन से उतर गए और दूसरे यात्रियों को बताने के लिए शोर मचाते हुए प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगे। इसी बीच देखते ही देखते इंजन में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग पीछे के डब्बों में फैलने लगी। रेलवे प्रशासन जब तक दमकल गाड़ियां मंगा पाता तब तक इंजन सहित 2 डिब्बे आग की चपेट में आ चुके थे। आग का दायरा बढ़ने लगा तो वहां मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन के अन्य डिब्बों को कोच से अलग करने की पहल की। ट्रेन से उतरी जनता ने एकजुटता दिखाते हुए ट्रेन को धक्का देना शुरू किया और कोच निकलकर अलग हो गया। अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने से कोच में आग लगी है। रूस यूक्रेन जंग के कारण संकट का सामना कर रहे मेडिकल छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि यूक्रेन से वापस आने वाले छात्र अब भारत में ही अपनी 1 साल की इंटर्नशिप को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए कोरोना महामारी या युद्ध के समय चीजें काबू में न रहने का हवाला दिया गया है। NMC ने ये सर्कुलर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी जारी किया है। NMC ने बताया कि कई मेडिकल ग्रेजुएट छात्र रूस यूक्रेन जंग के कारण अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाए हैं। इन छात्रों की परेशानी को देखते हुए उनके भारत में इंटर्नशिप के आवेदन को योग्य माना जाएगा। उनसे उन सैकड़ों छात्रों को राहत मिलेगी जो इस संकट के कारण अपने पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर
वापस भारत में आ गए हैं। राज्य की परिषद इस बात का ध्यान रखेगी कि यूक्रेन से भारत आए छात्रों ने एनबीए की ओर से आयोजित एफएमजीए परीक्षा को पास किया है। अगर छात्र सभी योग्यताओं को पूरा करते हैं तो ही उन्हें राज्य चिकित्सा परिषद की ओर से 12 महीने की इंटर्नशिप के लिए अंतरिम पंजीकरण दिया जाएगा। एनएमसी ने यह भी बताया है कि राज्य परिषदें इस बात का भी ध्यान रखेगी कि ऐसे छात्रों से इंटर्नशिप पूरी करने के लिए कॉलेज की ओर से कोई भी शुल्क न लिया जाए। सर्कुलर में बताया गया है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को मिलने वाले स्टाइपेंड को भी भारत के सरकारी कॉलेज के मेडिकल छात्रों के बराबर किया जाएगा। कोरोना महामारी में अभिभावकों को खो चुके बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में पीएम केयर स्कीम के तहत दाखिला दिया जाएगा। केवीएस उन सभी छात्र छात्राओं को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत प्रवेश देगा जिन्होंने 1 से 12वीं तक किसी भी कक्षा के दौरान कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। सभी केंद्रीय विद्यालय को इसकी सूचना दे दी गई है। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 28 फरवरी 2022 से प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। ताजा सूचना के मुताबिक बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान दें, छात्रों का प्रवेश विवियन विद्यालय विकास निधि श्रेणी के तहत और जिस जिले में केंद्रीय विद्यालय है उसके जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति पर किया जाएगा। डीएम द्वारा अधिकतम 10 छात्रों को प्रति कक्षा 2 का चयन किया जा सकता है। सरकार के निर्णय के कारण केवीएस के प्रवेश दिशा निर्देशों में बदलाव किया गया है। इसके तहत देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शाखाओं में तेहरान, मॉस्को और काठमांडू सहित देश के सभी 1200 स्कूलों में जोड़ा गया है। अभी तक शिक्षा मंत्रालय ने उन 4000 से अधिक छात्रों की सूची भेजी है जिन्हें केंद्रीय विद्यालय में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों के रूप में प्रवेश दिया जाना है। ये सूची क्षेत्रीय अधिकारियों और केवी स्कूल के प्राचार्यों को पहले ही दी जा चुकी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश प्रक्रिया 28 फरवरी 2022 को कक्षा 1 के पंजीकरण के साथ शुरू हुई। कक्षा 2 से 10 के लिए पंजीकरण 8 अप्रैल 2022 को होगा। बाजार में गिरावट के 3 दिनों में निवेशकों की संपत्ति 5,59,00,000 रुपए से अधिक घट गई है, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके गंभीर परिणाम की धारणा बाजार पर हावी है। शुक्रवार को कारोबार के दौरान तीसरे दिन भी गिरावट से बीएसई सेंसेक्स 1,214.96 अंक या 2.20% गिरकर 53,887.72 पर चला गया था। बाद में ये 768.87 अंक या 1.40% की गिरावट के साथ 54,333.81 पर बंद हुआ। 3 दिनों में बेंचमार्क इंडेक्स 1,913.47 अंक या 3.40% टूट गया है। इक्विटी में गिरावट को देखते हुए बीएसई लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 3 दिनों में 5,59,623.71 करोड़ रुपए गिरकर 2,46,89,421.38 करोड़ रुपए हो गया है। जानकारों ने कहा है कि बाजार में सप्ताह का अंत तेजी के साथ हुआ है जो कमजोर वैश्विक भावनाओं को दर्शाता है। शुरुआती कारोबार में तेज गिरावट के बाद बेंचमार्क व्यापक रेंज में दिन के निचले स्तर के आसपास चला गया था। टाइटन, मारुति सुजुकी इंडिया, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 5.5% की गिरावट के साथ सबसे ज्यादा नुकसान में रहे। बाजार में बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों को भी भारी बिकवाली का सामना करना पड़ा जो 2.36% तक गिर गया है। ऑटो, धातु, उपभोक्ता, विवेकाधीन वस्तुओं और सेवाओं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी के साथ बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए जिसमें 3.40% की गिरावट आई है। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर से जाने के इच्छुक श्रद्धालु सावधान रहे। कुछ अनाधिकृत वेबसाइट पर जारी होने वाले विज्ञापनों पर हेलीकॉप्टर की टिकट या प्रसाद की बिक्री को लेकर आप धोखाधड़ी के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए श्राइन बोर्ड की ओर से दी जाने वाली सभी ऑनलाइन सेवाएं केवल श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से प्राप्त करें। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं से ऑनलाइन धोखाधड़ी की मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए श्राइन बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने तीर्थयात्रियों से धोखेबाजों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने श्रद्धालुओं को टिकट बुकिंग में श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org और माता वैष्णो देवी ऐप का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी है। रमेश कुमार ने बताया कि धोखेबाजों द्वारा तीर्थयात्रियों को धोखा देने के संबंध में शिकायतें पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा और साइबर शाखा में दर्ज कराई जा चुकी है जो मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि कटड़ा से सांझी छत और वापस जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर टिकटों की बिक्री केवल श्राइन बोर्ड का एकमात्र विशेषाधिकार है। बोर्ड ने किसी भी एजेंट, एजेंसी या व्यक्ति को हमारी वेबसाइट का उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं किया है। बोर्ड ने श्रद्धालुओं को सावधान करने के लिए सभी प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स भी लगाए हैं।
यूक्रेन के खिलाफ छिड़े युद्ध के बीच मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूसी टीवी चैनल के पूरे स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया है। खास बात यह है कि यह इस्तीफा ऑन एयर शो में दिया गया है। वहीं चीन ने रक्षा खर्च में बढ़ोतरी का फैसला किया है। अपने रक्षा खर्च को 7.1% बढ़ाकर वो भारत, अमेरिका समेत अन्य देशों को चुनौती दे सकता है। तो उत्तर कोरिया ने आज सुबह एक अज्ञात मिसाइल की टेस्टिंग कर आसपास के देशों को चौंका दिया है। ये मिसाइल कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में सागर की ओर दागी गई है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि नाटो ने जानबूझकर यूक्रेन की हवाई सीमा को बंद नहीं किया। उधर यूक्रेन का पतन हुआ तो पूरे यूरोप का पतन हो जाएगा। उधर पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है, उसका नाम अभी भी ग्रे लिस्ट की सूची से नहीं हटाया गया है। तो दुनिया भर की इस 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। यूक्रेन के खिलाफ छिड़े युद्ध की आलोचना अब रूस में भी होने लगी है। पिछले दिनों रूस में ही पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था। अब रूसी टीवी चैनल के पूरे स्टाफ ने इस जंग का विरोध जताते हुए इस्तीफा दे दिया है। खास बात यह है कि ये इस्तीफा ऑन एयर शो में दिया गया। एंकर ने लाइव शो में नॉट वॉर कहने के बाद इस्तीफा दे दिया और पूरा स्टाफ न्यूज रूम से बाहर चला गया। ये घटना तब सामने आई जब रूसी अधिकारियों ने रशियन टीवी चैनल टीवी रेन पर युद्ध की कवरेज दिखाने की रोक लगा दी। चैनल के संस्थापकों में से एक नतालिया सिंधेवा ने अपने अंतिम प्रसारण के दौरान लाइव शो में नो टू वॉर कहा। इसके बाद सभी कर्मचारियों ने स्टूडियो से वॉकआउट करते हुए इस्तीफा दे दिया। चैनल की ओर से एक बयान में कहा गया है कि उसने शो को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है। रशियन टीवी चैनल में सामूहिक इस्तीफे के बाद स्वान लेक बैले डांस का वीडियो चलाया गया। इस वीडियो को 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के सरकारी टीवी चैनलों पर दिखाया गया था। इसके अलावा रूस में एक नया कानून पारित किया गया है। इस कानून के मुताबिक सेना के खिलाफ गलत खबर प्रकाशित करने या प्रसारित करने पर 15 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस कानून पर हस्ताक्षर भी कर दिए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग खतरनाक होता जा रहा है और इसी बीच भारत का पड़ोसी देश चीन आज अपना बजट पेश करने जा रहा है। इस बार के बजट में चीन ने अपनी सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरों को देखते हुए रक्षा खर्च में बढ़ोतरी का फैसला किया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन अपने रक्षा खर्च को 7.1% बढ़ाकर भारत, अमेरिका समेत अन्य देशों को चुनौती दे सकता है। चीन सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के लिए 17,57,00,000 रुपए का रक्षा बजट प्रस्तावित किया है, जो कि सालाना वृद्धि का 7.1% है। भारत से तुलना की जाए तो ये वृद्धि वर्ष 2022 के लिए भारत के 5,25,00,000 रुपए के रक्षा बजट से 3 गुना अधिक है। ये भारत के लिए खतरा बन सकता है। दरअसल चीन हर साल रक्षा बजट में इजाफा करता जा रहा है। जानकारों की माने तो रक्षा बजट में वृद्धि के बाद चीन LC पर सैन्य कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकता है और अवैध घुसपैठ को भी अंजाम देने की कोशिश कर सकता है। पिछले साल चीन का रक्षा खर्च पहली बार 15,000 अरब रुपए को पार कर गया था। चीन की संसद में प्रस्तुत अपनी कार्य रिपोर्ट में चीनी प्रधानमंत्री ली ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध और अमेरिका के साथ उसके बढ़ते राजनीतिक और सैन्य तनाव के बीच इस साल के रक्षा बजट में चीन की वृद्धि की गई है। चीन के पास अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। उत्तर कोरिया ने आज सुबह एक अज्ञात मिसाइल की टेस्टिंग कर आसपास के देशों को चौंका दिया है। ये मिसाइल कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में सागर की ओर दागी गई है। ये जानकारी दक्षिण कोरिया के आर्मी चीफ की तरफ से दी गई है। बता दें कि उत्तर कोरिया इस साल अब तक कुल 9 मिसाइल टेस्टिंग कर चुका है। उत्तर कोरिया ने जनवरी के महीने में भी 7 हथियारों का परीक्षण किया था, जिसमें 2017 के बाद से बनाई गई सबसे शक्तिशाली मिसाइल भी शामिल है। उस दौरान कहा गया कि यहां के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उकसाने के लिए ये कदम उठाया था। दक्षिण कोरिया के आर्मी चीफ ने इस मिसाइल की टेस्टिंग को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रिजोल्यूशंस का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि लगातार इस तरह की टेस्टिंग दुनिया के लिए खतरनाक है, इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। वहीं इससे पहले दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भी हथियार कार्यक्रम के विस्तार के प्रति चिंता प्रकट की थी और कहा कि उत्तर कोरिया एक बार फिर लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण शुरू कर सकता है, जिससे क्षेत्र में युद्ध का माहौल फिर से बनने की आशंका है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में विध्वंस के सबूत चारों ओर चित्राए नजर आ रहे हैं और ऐसे में इस तरह के परीक्षणों से शीत युद्ध को और बल मिल सकता है। अमेरिका और नाटो के आश्वासन के बल पर सुपर पावर रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को अब बड़ा झटका लगा है। नाटो ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन में नो फ्लाई जोन को लागू नहीं कराएगा। नाटो के इस फैसले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भड़क गए हैं।
यूक्रेनी राष्ट्रपति ने नाटो के फैसले की आलोचना की है और कहा कि इससे अब रूस को यूक्रेन के शहरों और गांवों पर बम बरसाने के लिए हरी झंडी मिल गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो को पता है कि रूस अभी और ज्यादा हमले करने वाला है, ऐसे में नाटो ने जानबूझकर यूक्रेन की हवाई सीमा को बंद नहीं किया। अगर यूक्रेन का पतन हुआ तो पूरे यूरोप का पतन हो जाएगा। नाटो महासचिव जेंस स्टॉल्टेनबर्ग ने यूक्रेन की पीड़ा को स्वीकार करते हुए कहा कि रूस की फौज ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं और वे शहरों एवं अन्य स्थलों पर भी भारी बमबारी कर रहे हैं। इससे 10 लाख से अधिक लोग देश छोड़ने को मजबूर हुए हैं। यूक्रेन में जो हो रहा है वो भयावह है, दर्दनाक है। हम जो मानव पीड़ा और जिस स्तर पर तबाही देख रहे हैं वो हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में नहीं देखी है। हालांकि हम यूक्रेन नहीं जा रहे हैं, न जमीन पर और न ही यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में। नाटो की सुरक्षा गारंटी 30 सदस्य देशों को लेकर है और संधि का अनुच्छेद 5 कहता है कि अगर किसी एक सदस्य पर हमला होता है तो सारे सदस्य उसकी रक्षा के लिए आगे आएंगे। अगर उस नाटो का कोई जंगी जहाज मार गिरा दे तो ये स्थिति आ सकती है। पाकिस्तान का नाम अभी ग्रे लिस्ट की सूची से नहीं हटेगा, उसे फिलहाल जून 2022 तक ग्रे लिस्ट की सूची में ही रहना होगा। जून 2018 से टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी शर्तों को पूरा न करने के कारण पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे सूची में डाल दिया गया था। अक्टूबर 2018, 2019, 2020, अप्रैल और अक्टूबर 2021 में हुए रिव्यू में भी पाक को राहत नहीं मिली थी। पाकिस्तान FATF की सिफारिशों पर काम करने में विफल रहा। इस दौरान पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को विदेशों से और घरेलू स्तर पर आर्थिक मदद मिली है। FATF की ब्लैक लिस्ट में ईरान और उत्तर कोरिया शामिल है। इस कारण से इन दोनों देशों को बाहर से निवेश पाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में काफी परेशानी होती है। बता दें कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल अर्थात FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समूह के देशों द्वारा 1990 में स्थापित किया गया था। इसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और आतंकवाद के वित्त पोषण पर निगाह रखना है। इसके अलावा FATF वित्त विषय पर कानूनी विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा भी देता है। FATF का निर्णय लेने वाला निकाय को FATF प्लेनरी कहा जाता है। इसकी बैठक एक साल में 3 बार आयोजित की जाती है। तो आज की खास पेशकश में बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।